हाँ भाई, तो हम भाई, आई होप आवाज़ आ रही हो, इन अंकल की बकवास ना आ रही हो बल्कि। तो भाई हम आए थे बर्लिन, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है? 10 बज गए। तो सीन ये है कि बहुत हिस्टोरिकल जगह है, आज काफ़ी कुछ घूमना है। कल भी मैंने काफ़ी कुछ घूम लिया था, प्लान नहीं था कल घूमने का क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। मेरा नहीं ख्याल था कि मैं कल कुछ घूमूँ छूँगा, सिर्फ खा पी के सो जाऊँगा, लेकिन कल भी जो है काफ़ी कुछ कर लिया था। तो अच्छा व्यू है, और शुरू करते हैं फिर। बाय बाय। ओके, सो बिहाइंड मी इज द चेक पॉइंट चार्ली। ये दिस वॉज वन ऑफ द 3 चेक पॉइंट्स, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, जो कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के दरमियान का चेक पॉइंट था। सो पीपल हु वर गोइंग फ्राम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, तो दे हैड टू गो थ्रू दिस चेक पॉइंट। एंड एज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 US एंड वेस्ट जर्मनी वर एलाइज, तो इसलिए जो है यहाँ US का फ्लैग लगा हुआ है। और यहाँ पर खैर, अभी हम इसके म्यूज़ियम जाएंगे, उधर देखते हैं क्या है। आई गॉट अ स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड, है स्टूडेंट तो रहा नहीं, तो उधर जाते हैं। खैर, मिलते हैं इसके बाद। तो हम बर्लिन का टूर अभी भी ले रहे हैं। अभी क्या टाइम हो, 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, और जो डे लाइट है वो तकरीबन 10:30 तक है। सो सुबह कोई 4 बजे से 10 बजे तक रोशनी ही रोशनी होती है, जो कि बहुत फिट चीज़ है। बीइंग अ टूरिस्ट, बीइंग अगर आप फिर रहे हैं तो जो है फिट चीज़ है उसके लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, इट्स आई वॉन्ट से इट्स चीप, बट इट्स रियल गुड। मतलब कि आपको हर जगह जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। तो अभी मेट्रो पकड़ के आए हैं, अब थोड़ा पैदल चल के फिर उधर पहुँचेंगे, तो उधर ही आपसे मुलाकात होती है फिर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द ज्यूइश मेमोरियल प्लेस, जहाँ पर इट्स बेसिकली ईच ऑफ दी स्लैब्स, जो भी स्लैब्स पीछे नज़र आ रही हैं, दे रिप्रेजेंट दम, एंड ये उन्हीं की उसमें याद में जो है बनाई गई हैं। एंड देर आर 2,700 स्लैब्स लाइक दीज इन दिस होल एरिया। एंड द ज्यूज दैट वर मर्डर्ड अराउंड देवर, आई थिंक 3 to 6 million ज्यूज जो नाज़ीज़ ने मारे थे, उनकी जो रिमेम्बरेंस में ये बनाए। एंड दिस प्लेस इज़ अ लाइक अ मस्ट विजिट, और बिकॉज जर्मनी में आई थिंक आई सेड दिस बिफोर, एवरी इंच हैज़ एन हिस्ट्री, एवरी ब्लॉक हैज़ एन हिस्ट्री, और काफ़ी इट्स एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, स्पेशली द वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री, बर्लिन इज़ लाइक अ हेवन फॉर देम टू कम। इसके नीचे जो है, इसके नीचे एक रास्ता जाता है जहाँ पर 3 million ज्यूज जो हैं उन जो मारे गए थे उनके नाम लिखे हुए हैं। अब इफ़ इट्स फ्री देन आई एम गोइंग, इफ़ इट्स नॉट देन आई एम नॉट। पहली बहुत मैं खर्चा कर चुका हूँ, तो इधर थोड़ा सा घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं, फिर और हिस्ट्री का एक्सप्लोर करते हैं। बहुत धूप है लेकिन ठीक है, पाकिस्तान से कम है।
तो भाई सीन ये है कि मैं चल रहा था यहीं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, काफ़ी कुछ देख चुका हूँ ऑलरेडी। तो सामने कोई अच्छी सी बिल्डिंग नज़र आई जो कि मेरे पीछे है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं क्या सीन है। टर्न्स आउट इट्स द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, बर्लिन में जो है, और इसके अंदर जो चांसलर है जर्मनी की, हर नेम इज़ एंजेला मार्कल और मार्कल जो भी है। तो एंजेला बीबी भी जो है वो इधर बैठती है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज़ इट्स ओपन फॉर टूरिस्ट्स, मतलब कि आप अंदर जा सकते हैं, पार्लियामेंट देख सकते हैं, कहाँ जो है चांसलर बैठता है, बाकी पार्लियामेंट मेंबर्स बैठते हैं। इट्स दैट्स समथिंग प्रीटी कूल, वरना हमारे मुल्कों में जो है 10-10 किलोमीटर दूरी बैरियर्स लगाए होते हैं तो आप देख ही नहीं सकते। इट्स प्रीटी कूल। साथ ही कॉन्सर्ट चल रहे हैं इसके, और क्या यार फिट चीज़। तो भाई पहले ही बहुत बातें हो गई हैं, लेकिन हम थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो सीन ये कि रात के 3 बज रहे हैं, कुत्तों वाली नींद आई हुई है, आंखें लाल हुई हुई हैं, लेकिन ब्लॉग को एंड करना है। एंड बिफोर, एज माय ब्लॉग्स आर मोर इंफॉर्मेशनल, नहीं ये नहीं, असल में इंफॉर्मेशनल होते हैं, ट्राई टू गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, ताकि अगर कोई वो जगह विज़िट कर रहा है या उसको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो मेरे थ्रू उसको पता लग जाए। और ये मुझे बैटरी का जो है साइन लाल लाल आ गया, आई होप मेरी बात करने से पहले ये ना मुके। खैर जल्दी की बात करते हैं। सो आई हैव शोन यू चेक पॉइंट चार्ली, आई हैव शोन इन दिस व्लॉग द ज्यूश मेमोरियल, इसके अलावा देयर इज़ बर्लिन वॉल एंड द ईस्ट साइड गैलरी विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट इट व्हेन यू विजिट बर्लिन। और बर्लिन का क्या मेरा इख्तिताम वो पहुँचता है। टमोरो आई एम गोइंग टू अनदर प्लेस, रात 3 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे की मेरी ट्रेन है, जिसके लिए मुझे यहाँ से 6:45 बजे निकलना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा। इट मीन्स आई हैव ओनली 3 आवर्स टू स्लीप एंड पैक एवरीथिंग, लिविंग ऑन द एज। खैर अनदर फिट थिंग इज दैट आई गॉट द रियल सैम्पल, this is the real piece of Berlin Wall. Mehenga tha thoda sa, but you can easily get it in the Checkpoint Charlie Museum shop. So it's one of a kind and isko main miss nahi kar sakta tha. Pretty cool. To I think aaj ke liye itna hi, milte hain aapse fir break ke baad. Tab tak ke liye khayal rakhiye, मुझे नींद आ रही है, अल्लाह हाफिज़।